संजय दत्त की बायोपिक संजू से निराश है महेश मांजरेकर, बोले अगर मैं होता। साल 2018 की सबसे कामयाब फिल्म संजू के बारे में अब संजय दत्त के खास दोस्त और निर्देशक महेश मांजरेकर ने बेबाक राय दी है। महेश ने एक बातचीत में कहा कि वो इस बायोपिक से निराश हैं। अगर वो इस फिल्म को बनाते तो अलग तरीके से अप्रोच करते। राजकुमार हिरानी निर्देशित संजू ने 341 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। रणबीर कपूर ने फिल्म में संजय का किरदार निभाया था, जबकि दिया मिर्जा उनकी पत्नी मान्यता के रोल में थी। परेश रावल पिता सुनील दत्त और मनीषा कोइराला मां नरगिस के किरदार में थी। इन दिनों उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की शानदार कामयाबी का लुत्फ उठा रहे विक्की कौशल ने संजय के दोस्त कमली का किरदार निभाया था, जिसकी खूब चर्चा और तारीफ हुई थी। खुद महेश फिल्म के एक सीन में मेहमान भूमिका में दिखे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महेश ने फिल्म के बारे में कहा है कि उन्होंने संजय दत्त की जिंदगी को करीब से देखा है और यह एक अच्छे से बनी मसाला फिल्म है। फिल्म के कलेक्शन से इस बात की पुष्टि भी करते हैं। महेश ने आगे कहा कि फिल्म में बहुत से पहलुओं को शामिल नहीं किया गया। अगर वो इसे निर्देशित करते तो फिल्म को लेकर उनकी सोच अलग रहती। महेश भट्ट ने संजय को उनके करियर की कुछ बेहतरीन फिल्में दी हैं, जिनमें से एक 1999 में आई वास्तव है। महेश निर्देशित फिल्म में संजय ने गैंगस्टर का रोल निभाया था। यह उनके जबरदस्त अभिनय के लिए जानी जाती है। कांटे और मुसाफिर जैसी फिल्मों में दोनों ने एक्टिंग भी की है। संजू बेशक ब्लॉकबस्टर फिल्म है, मगर इस बात के लिए इसकी आलोचना की गई थी कि संजय दत्त के जीवन के कई अहम अध्यायों को छोड़ दिया गया है। उनकी पहली पत्नी ऋचा शर्मा और बेटी त्रिशाला का कहीं जिक्र नहीं आया। ऋचा की कैंसर से मौत हो गई थी। त्रिशाला अमेरिका में अपने नाना नामी के साथ रहती हैं। फिल्म की रिलीज से पहले हिरानी इस बात से इनकार करते रहे थे कि यह संजय दत्त की इमेज क्लीन करने के लिए बनाई गई फिल्म है, मगर रिलीज के बाद जब फिल्म कामयाब हो गई तो एक इवेंट में राजकुमार हिरानी ने स्वीकार किया था कि संजय दत्त के जीवन में हुए विवादों पर उनका पक्ष रखने के लिए संजू बनाई गई थी। इधर राजकुमार हिरानी इन दिनों मीटू के आरोपों से घिर हैं। उन पर एक असिस्टेंट ने इसी फिल्म की मेकिंग के दौरान जोर जबरदस्ती करने का आरोप लगाया है। हालांकि हिरानी ने इन आरोपों पर हैरानी जताते हुए कानूनी सलाह के बाद अपना पूरा पक्ष मीडिया में रखा है और आरोपों को सरासर निराधार और छवि खराब करने वाला बताया है।